अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेरे दो फैंसी ब्लैक कलर के सूट ब्लैक कलर सबको ही पसंद होता है ब्लैक कलर जिस भी कंट्रास्ट के साथ पहना जाए बहुत खूबसूरत लगता है इसके अलावा ब्लैक कलर में हम लोग स्मार्ट भी लगते हैं तो आइए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले ये सूट बहुत खूबसूरत डबल शेड में है इसके अंदर गोल्डन टच और ब्लैक कलर के साथ बहुत प्यारा लग रहा है यह फ्रोजे ब्रांड का सूट है इसकी नेकलाइन सिंपल सी है एम्ब्रॉयड नेकलाइन है और बोट नेक के साथ नीचे छोटा सा वी बना हुआ है ये वी पर सारी एम्ब्रॉयडरी है थ्रेड एम्ब्रॉयड्री है और साथ में तिला वर्क भी है गोल्डन और ब्लैक कलर से धागे से के धागे से सारा काम किया हुआ है और सबसे खूबसूरत तो इसकी ये लटकन डोरी है ये देखें ये बहुत प्यारे से बड़े बड़े फ्लावर्स बने हुए हैं और ये बहुत प्यारे लग रहे हैं ये दूसरा फ्लावर है फ्लावर के ऊपर एक दोनों फ्लावर्स के ऊपर एक एक बटन प्यारा सा लगा हुआ है इस तरह की लटकन आप घर में भी बना सकती हैं और टेलर भी आपको बासानी बनाकर दे सकते हैं और ये लगी हुई बहुत खूबसूरत लगती हैं फ्रेंड आजकल तो ये डोरियां फैशन में भी बहुत हैं आप इनको फ्रंट साइड के गले पर लगा सकती हैं बैक साइड पर लगा सकती हैं स्लिट्स स्लिट्स की सिलाई में ये भी लग सकती हैं और फिर बहुत डिफरेंट लुक भी देती है ये इसकी इस सूट का एक फर्स्ट पैनल है और पैनल में ये सारी किंगरी लेस से इसको फिनिशिंग दी हुई है ये पैनल सारा एम्ब्रॉयड है और फिर लेफ्ट साइड पर भी एक पैनल है इस पर भी किंगरी लेस इनके दरमियान में अटैच की हुई है अब बात करते हैं इस इनकी इस सूट की स्लीव्स की स्लीव्स बहुत प्यारी है। और हैं और एम्ब्रॉड है स्लीव्स ये स्लीव्स की पूरी लुक है नीचे तक और स्लीव्स के दरमियान में ये एम्ब्रॉयडरी को ज्वाइन करके इस तरह से स्टिचिंग की हुई है ये स्लीव्स का बहुत प्यारा सा बॉर्डर है और इस पर ये दो कलर का फैब्रिक यूज किया हुआ है ब्लैक और गोल्डन सिल्क फैब्रिक है ये इस तरह से डिजाइनिंग की है फैब्रिक के सीधी सीधी पट्टियां लगाई हैं लेकिन जब इनके ऊपर ये मोती टांके हैं तो धागे के साथ ये टर्न होते गए हैं और ये बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है दे रही है स्लीव्स। फिर स्लीव्स के नीचे ये लेस ऐड करवाई है और लेस को भी ब्लैक कलर के पर्ल्स के साथ हैंग किया हुआ है और ये दूसरी स्लीव्स भी सेम बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है ये डिफरेंट सा डिज़ाइन है आप लोग भी अपने सूट पे बना के अपनी अच्छी से लुक, लुक क्रिएट कर सकती हैं बाकी ये शर्ट का फ्रंट साइड है शर्ट फिर की फ्रंट साइड पे अच्छी खासी हैवी एम्ब्रॉयडरी है ये शर्ट के बॉर्डर का डिज़ाइन है ये सेम जैसे स्लीव्स ने बनाया है वैसे ही बना हुआ है और इसमें भी ब्लैक कलर के पर्ल्स लगाए हुए हैं फैब्रिक भी डबल कलर का यूज किया हुआ है फिर इस डिज़ाइन के नीचे काफी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड काफी चौड़ा सा बॉर्डर है बॉर्डर के नीचे ये झिलमिल सितारों वाली फैंसी सी लेस लगाई है लेस को ब्लैक कलर के पर्ल्स के साथ हैंग किया हुआ है और ये काफ़ी फैंसी लुक दे रही है सूट को ये सूट आम घर में पहनने वाला आम रूटीन में पहनने वाला नहीं है बल्कि ये कहीं पार्टी हो डिनर हो कोई इस तरह से कोई फंक्शन हो तो उसमें पहना जाएगा ये शर्ट के चौक्स हैं चौकस पे बारीक सी समोसा लेस लगाई है और इसके पीछे चौकों के पीछे फिर ये फैशन पट्टी यूज की है ताकि चॉक्स में फिनिशिंग आ जाए इस तरह से पूरे सूट की लुक है यह आप दोबारा से देख सकते हैं सारी शर्ट ये शर्ट की बैक साइड है बैक साइड पर सीक्वेंस वर्क के साथ यह छोटे छोटे फ्लावर बने हुए हैं पूरी नीचे तक और एट दी एंड इसके नीचे एक बॉर्डर है जो सेम फ्रंट साइड पर है और फिर नीचे वैसे ही लेस से डिज़ाइनिंग करवाई है शर्ट का ट्राउज़र ब्लैक कलर का प्लेन ट्राउज़र है और इस इसलिए ये प्लेन है इसके नीचे मैंने फिर ये इस तरह से डिज़ाइनिंग करवाई है किंगरी लेस के साथ और किंगरी लेस के ऊपर और नीचे पांचे पर ये शर्ट से ये बचिया हुआ एम्ब्रॉयड्री की पट्टियाँ हैं ये दोनों लगा दी हैं ऊपर और नीचे और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है मेरे ख्याल से सूट की सारी लोग उसके दुपट्टे से बनती है दुबट्टा अगर अच्छा हो तो सूट भी प्यारा लगता है इस सूट का दुबट्टा सॉफ्ट खार्डीनेट फैब्रिक पर है और काफ़ी फैंसी है चारों तरफ के बॉर्डर्स के लिए काफ़ी चौड़ा पैच दिया हुआ था और ये इस तरह से सारी दुपट्टे पर ये एम्ब्रॉयडरी है ब्लैक कलर के थ्रेड के साथ और और सीक्वेंस के साथ ये फ्लावर्स बने हुए हैं ये एम्ब्रॉयडेड पैच लगे हुए हैं चारों तरफ और इसके साथ फिर ये मैंने लेस लेकर ये लगवाई है लेस की एजिंग करवाई है लेंथ में भी और ये इसके पीछे ये फैशन पट्टी यूज की है ताकि दुपट्टे में जान आ जाए ये है कलरफुल सा ब्लैक कलर का एक और सूट ये जैकार्ड फैब्रिक पर है और इसके ऊपर मल्टी कलर की काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी है, है। थ्रेड वर्क है सिर्फ टिल्ला वर्क नहीं है आइए इसकी नेकलाइन देखते हैं नेकलाइन काफी बहुत प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी के साथ है ये सारा नेक का पैच इसके ऊपर अलग से लगवाया है और बहुत प्यारे फ्लावर्स बने हुए है। ये हैं ये स्लीव्स हैं क्योंकि स्लीव्स के ऊपर बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी है इसलिए इन पर कोई खास डिजाइनिंग नहीं करवाई है बस नीचे कटवर्क ही करवाया है बाकी ये सारी नीचे शर्ट की फ्रंट साइड है ये इसका बॉर्डर है इस पर भी एम्ब्रॉयडरी है नीचे फिर एक और बॉर्डर है जो कि गोल्ड प्रिंटेड है बॉर्डर के नीचे ये बहुत प्यारी सी लेस लगाई है ट्रायंगल शेप में ये लेस है और बॉर्डर की लुक और अच्छी हो रही है ये पीछे फैशन पट्टी यूज़ की है और बॉर्डर पे काफ़ी चौड़ा सा फैब्रिक यूज़ किया हुआ है ताकि नीचे से दामन ज्यादा ढलके ना इसके साथ भी प्लेन ब्लैक कलर का ट्राउजर है ट्राउजर के नीचे इस तरह से कट कटवर करवाया हुआ है और ट्रायंगल वाली लेस भी कटवर्क के ऊपर लगाई है ये इसका बहुत प्यारा सा दुपट्टा है दुपट्टा ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर है और दुपट्टे के पलुओं पे जैसे शर्ट पे एम्ब्रॉयडरी है सेम वैसी ही एम्ब्रॉयडरी है थ्रेड वर्क से और कलर्स ये पिंक कलर और येलो गोल्डन कलर बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं और ये फ्लावर्स जो है ना ये बहुत सफाई से बने हुए हैं दुपट्टे के चारों साइड्स पर मैंने बारीक सी लेस लगवाई है और ये फिर बैक साइड पर दुपट्टे के ये फैब्रिक यूज़ करके फैशन पट्टी लगाई है ताकि दुपट्टे के पलुओं में और लेंथ वाइज फिनिशिंग आ जाए ये पूरी सूट की लुक है ये बहुत ही प्यारा सा सूट है क्योंकि ब्लैक कलर के साथ दूसरे कलर का एडिशन भी बहुत प्यारा लगता है